शहजादी तस्वीर को तिलिस्मी आईने की कैद से छुड़ाने के लिए तुम्हें जजीराए खैबान में जाना होगा। हैरत की बात तो ये है कि तुम्हारा ये राज शहजादी तस्वीर के राज से जुड़ा हुआ है। मेरा राज शहजादी तस्वीर के राज से जुड़ा हुआ है, मगर वो कैसे? इस सवाल का जवाब तुम्हें जजीराए खैबान में मिल जाएगा। कशा बिनते अल्फाक सरवरी, शायद तुम नहीं जानती कि आज से तकरीबन एक साल पहले जब तुम्हारे वालिद अल्फाक सरवरी अपने छोटे भाई अफलाक सरवरी के साथ तिजारत की गरज से मिस्र गए थे, असल में वहाँ क्या हुआ था? अल्फाक, हाँ ब्रदर अजीज, जहाज का कप्तान तो कह रहा था कि मिस्र का साहिल ज्यादा दूर नहीं है। हाँ ब्रदर अफलाक, मगर हवाओं का जोर तो कुछ और कह रहा है। मुझे भी यही अंदेशा है अल्फाक कि मिस्र के साहिल तक पहुंचने से पहले जहाज किसी समुद्री तूफान की गर्दिश में ना आ जाए। बेहतर यही है भाई कि हम जहाज को यही लंगर अंदाज कर दें और रात गुजरने तक इंतजार करें। तुम ठीक कहते हो अल्फाक, हम अभी जहाज को हवा के रुख से हटा लेते हैं। हाँ ब्रदर अजीज, इससे जहाज तूफान की जद में आने से बच जाएगा। जरमान, जरमान, हुक्म आता। कप्तान से कहो जहाज को हवा के रुख से हटाकर रात भर के लिए यही लंगर अंदाज कर दिया जाए। जो हुक्म आता। समुद्री तूफान, ये कैसा अजीब जजीरा है कि एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। ब्रदर अफलाक, इंसान तो मौजूद है मगर कदम कदम पर बिछी हुई लाशों की शक्ल में। आका, कहीं ये किसी आदमखोर हैवान की हैवानियत तो नहीं? नहीं जरमान, नहीं। लाशों के जिस्म और चेहरों पर किसी दरिंदे के दरिंदगी के आसार नजर नहीं आते, और दरिंदे तो फिर लाशों को चीर फाड़ कर खा जाते हैं। तो फिर जरूर इस जजीरे पर कोई बला, कोई बीमारी लाइलाज मर्ज की तरह फैल गई है, जिसका नतीजा है ये इंसानी लाशें। मिस्र पहुंचने से पहले अल्फाक और अफलाक का पहली जहाज तूफान में भटक कर एक अनजान जजीरे पर पहुंच गया था। उस जजीरे पर तुम्हारे वालिद अल्फाक सरवरी ने एक ऐसा नायाब खजाना ढूंढ निकाला जो कारून के खजाने से भी कम न था। Thank you.
हैरत है ब्रादर अफलाक, हैरत। अजीब है खुदा की कुदरत, इस गैर आबाद वीरान जजीरे में भी ये अनमोल खजाना। भाई वाह। हाँ अफलाक, कदम कदम पर आंखों को चौंधिया देने वाले हीरे जवाहरात, सोने की अशर्कियों से भरे ये संदूक, ऐसा बेपनाह बेमिसाल खजाना न पहले देखा न कभी सुना। बेशक इस खजाने की कदर कीमत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। ये खजाना वाकई अनमोल है। मगर अल्फाज। हाँ भाई, अब ये खजाना तुम्हारा है। क्योंकि इस वीरान जजीरे में ये खजाना तुम्हीं तो तलाश किया है। नहीं भाई नहीं, ये मेरा नहीं, हमारा है। लेकिन भाई, इतना बड़ा खजाना एक साथ एक ही वक्त में ले जाना मुमकिन नहीं है, इसलिए जितना हो सकता है ले चलते हैं। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। उस जजीरे पर जानलेवा बीमारी ताउन की वबा फैली हुई थी, मगर जब ये बात समझ में आई तो बहुत देर हो चुकी थी। आका, खजाने के नक्शे के दो हिस्सों को मैंने इन बोतलों में महफूज कर दिया है। आका, अफलाक मेरे भाई, मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। मेरे मरने के बाद मेरी बेटी कहकशा का ख्याल रखना मेरे भाई। कैसी बातें करते हो अल्फाज, कहकशा मुझे अपनी बेटियों से भी अजीज है। ये मेरी वसीयत है। खजाने का नक्शा मेरी बेटी कहकशा को पहुंचा देना। खुदा ने चाहा तो हम तुम्हारी ख्वाहिश की तकमील में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई, मेरी बेटी से कहना। के बेटी, तेरा बाप तुझे सुर्ख जोड़े में देखने की ख्वाहिश लिए इस दुनिया से रुख्सत हो गया। अफलाक ने मिस्र पहुंचकर भाई अल्फाक के जनाजे की आखिरी रस्में अदा की और तिजारती सामान लेकर वापस अपने वतन यमन की सिमत चल पड़ा। रास्ते में समंदरी लुटेरे कज़ाक बिन रज़ाक ने तुम्हारे चचा अफलाक सरवरी के जहाज पर हमला कर दिया। सरदार, अफलाक सरवरी के जहाज से जो कुछ लूटना था वो हमने लूट लिया है, मगर क्या था चाल? बोल बोल जल्दी बोल। सरदार, ये बोतल, पता नहीं इस बोतल में क्या है। उसे हाथ मत लगाना बहरी कसदार, अपने नापाक हाथ उससे दूर ही रख। ये क्या कोई बड़ी मुकद्दस चीज है? यमन के सौदागर अफलाक। हाँ,
ये मेरे मरहूम भाई की वसीयत है, मेरी भतीजी की अमानत है ये। अच्छा अच्छा, तब तो हम इसे जरूर देखेंगे। दज्जाल, ये तो किसी जगह का नक्शा लगता है। जरूर, ये किसी खजाने का नक्शा लगता है सरदार। खजाना? हाँ सरदार, ऐसे नक्शे अक्सर खजानों के होते हैं। अच्छा अच्छा सरदार, सरदार के बच्चे, उल्लू के पट्टे, गधे, नालायक, अकल के अंधे, अगर ये किसी खजाने का नक्शा है तो फिर तू उसे छोड़कर जहाज का कूड़ा करकट क्यों समेट रहा था? हैं? गलती हो गई सरदार, मुझे क्या पता था कि इस बोतल में अलादीन का चिराग है सरदार। हाँ, खजाने का नक्शा मुझे दे दे कसाब, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं अफलाक सरवरी, नहीं, मेरे होते हुए भला, मुझसे भला, मुझसे बुरा और कौन हो सकता है? बुरा तो मैं हूँ, बहुत बुरा। Yes! No! आका, आका, सरदार, एक नक्शा इस गुलाम के पास भी है। अच्छा, छीन लो इस गुलाम से वो नक्शा। कमबख्त गुलाम, तूने खजाने का नक्शा समंदर में फेंक दिया। दज्जाल, पकड़ लो इस गुलाम को और कत्ल कर दो। लानत है इस गुलाम पर, ये तो अपने आहा से भी ज्यादा चालाक निकला। कसाक बिन रसाक से ये खजाने का नक्शा भी बचा कर ले गया और अपनी जान भी। कारून का खजाना। खुदा को जो मंजूर होता है वो तो होकर ही रहता है। वालिद की मौत और चचा के कत्ल की खबर जहाँ से जिंदा बचकर वापस आ जाने वाले एक मल्लाह से मुझे पहले ही मिल गई थी, मगर मेरी बदकिस्मती, मैं अपने वालिद और चचा की मिट्टी भी नहीं देख सकी। समंदरी लुटेरों ने जहाज का सारा साजो सामान लूटकर हमें दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया, और अब उस खजाने की वजह से समंदरी लुटेरे मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। मगर मुझे नहीं मालूम कि खजाने का क्या चक्कर है। खजाने का जिक्र तो आज मैंने पहली बार तुम्हारी जबान से सुना है। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी वालिद और चचा तुम्हारे लिए जो कीमती खजाना छोड़ गए वो महफूज है, क्योंकि कज़ाक के पास अधूरा नक्शा है, और अगर नक्शे का दूसरा हिस्सा किसी तरह कज़ाक को मिल गया तब भी तुम्हारे वालिद के जानसार गुलाम जरमान की मदद के बगैर वो खजाना हासिल नहीं किया जा सकता। मगर समझ में नहीं आता कि खजाने के नक्शे का एक हिस्सा अगर कज़ाक के पास है तो दूसरा हिस्सा कहाँ है? ये तुम्हें सिंदबाद से मिलने के बाद मालूम पड़ जाएगा। खजाने के नक्शे का
सिंदबाद से क्या ताल्लुक है? जब तुम सिंदबाद को खबीज खरबान की कैद से छुड़ा लोगे तब खुद ही जान जाओगे। तो आप हमें इजाजत दें हमराज हरफी। हाँ हमराज हरफी, अब हमें जल्द से जल्द जजीराए खयाबान के लिए रवाना होना चाहिए। हाँ हमराज हरफी, खुदा ने चाहा तो जकाला की मदद से हम जल्द ही जजीराए खयाबान और फिर सिंधबाद तक जरूर पहुंच जाएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इस हाल में भी अपने इस गुनहगार बंदे को जिंदा रखा। सिंदबाद, शाह आमरी आप और यहां? हां सिंदबाद, जमीन की गहराई हो या आसमान की ऊंचाई, जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और सारे सहारे छूट जाते हैं तो बस खुदा ही सहारा देता है। बेशक शाह आमरी, जमीन आसमान के जर्रे जर्रे में अल्लाह की कुदरत का नूर है। खुदा ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी जिंदा रखा। खुदा की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मगर शाह आमरी, आप यहां तशरीफ कैसे ले आए? यूं समझ लो सिंदबाद कि शायद मेरे यहां आने में भी खुदा की मसलहत थी। मैं तो इसी जमीन, इसी मिट्टी का एक हिस्सा बन चुका हूं। यही जमीन मुझे तुम्हारे पास ले आई है। शाह आमरी, मैं दूसरी तिलिस्मी खोपड़ी की मंजिल जजीरा चकमाक तक पहुंच गया था तो इस मुसीबत में फंस गया। जानता हूं सिंदबाद, मैं सब जानता हूं। तो क्या आप मुझे इस तिलिस्मी कैद से आजाद करवा सकते हैं? अफसोस सिंदबाद, अफसोस कि मैं तुम्हें इस तिलस्मी कैद से आजाद तो नहीं करा सकता, मगर इस कैद में तुम्हें ज्यादा देर तक रहने भी नहीं दूंगा। वो कैसे शाह आमरी? जो काम मैं नहीं कर सकता वो काम तुम्हारे वफादार साथी कर सकते हैं। मैं तिलस्मी आईने की शहजादी तस्वीर को बता दूंगा कि जजीराए चकमा की जमीन दोज गहराइयों में सिंदबाद कहां कैद है। यह आपका एहसान होगा मुझ पर। मोहसिन तो तुम हो सिंदबाद, और मैं अपने मोहसिन की मदद करने की कोशिश करूंगा। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द तुम आजाद हो जाओगे सिंदबाद। खुदा हाफिज। शुक्रिया शाह आमरी। अल्लाह हाफिज। आसिफ, शहजादी तस्वीर से पूछो कि जजीराए खयाबान कहाँ है। शहजादी तस्वीर, हाजिर हो, जाहिर हो। हुक्म आका आसिफ। शहजादी तस्वीर, मुझे तुम्हारी मजबूरी का इल्म है, तुम अपनी रिहाई के सिलसिले में हमें ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, लेकिन पहले ये तो बताओ कि हमारी मंजिल जजीराए खयाबान कहाँ है, जानती हो? अच्छा तो फिर सिर्फ एक लफ्ज में बताओ कि हमारी मंजिल जजीराए खयाबान शुमाल में है, जुनूब में है, मगरिब में या फिर मशरिक में? मगरिब। मगरिब। शुक्रिया आका आसिफ। अब मैं आपको
आका सिंबाद की रिहाई के बारे में अहम खबर देने जा रही हूँ। वाकई? आज मैं यही खबर सुनाने आना चाहती थी, मगर उससे पहले ही आका आसिफ ने मुझे तलब कर लिया। तो फिर जल्दी बताओ ना शहजादी तस्वीर, हमारे आका कहाँ है? हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? सिंबाद तक हम में से कोई भी पहुँच नहीं सकता था। अगर शाह अमरी की रूह आकर मुझे न बताती कि सिंधबाद असल में किस मकाम पर जमीन में कैद है। मगर मुश्किल है कि सिंधबाद को कमबख्त खबीस खरबान ने जमीन के अंदर बड़ी गहराई में पहुंचा दिया है।